हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू स्टाइल चिकन रोस्टेड घर पर बिना तंदूर बिना ओवन के, वो भी बहुत ही यमी और टेस्टी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बारबेक्यू स्टाइल चिकन रोस्टेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लेग पीस लिए हैं। अब उनमें हमें शार्प कट लगाने हैं। हमने बड़े लेग पीसेज लिए हैं, 2 ऊपर की साइड लगाएंगे, 2 ड्रम स्टिक में लगा दें और जो बीच में एक जॉइंट होता है, आप ये देख सकते हैं जो मोमेंट है, इसमें भी हमें यहाँ कट लगाना है और एक कट नीचे की तरफ लगा दें। इसी तरीके से हम सभी जो लेग पीस है उनमें कट लगा देंगे। तो ये देखिए सभी हो चुका है। अब इसे एक बड़े से असल में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि हम इसे मैरिनेशन कर सकें। तो इसे हम 2 बार मैरिनेट करेंगे, जिसमें फर्स्ट मैरिनेशन में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/3 कप विनेगर, 1 लेमन को कट करके लिया है पीसेस में, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, 1 टीस्पून सॉल्ट या टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालकर इसमें पानी डाल दें। इतना पानी डालें कि जो पीसेस हैं वो अच्छे से टिप हो जाए ताकि जो फ्लेवर है वो अंदर तक आ जाए। अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मिनिमम इसे 2 आवर्स के लिए रखें। ये हो गए हैं 2 घंटे, अब इसका पानी निकाल दें। सेकंड मैरिनेशन में हंग कर लिया है, जिसे चलनी में रखा था मैंने, 1/3 कप है ये, 1 टीस्पून क्रश ग्रीन चिली डालें, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टीस्पून रेड कश्मीरी चिली पाउडर, इसका कलर बहुत अच्छा आता है, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला। इसके साथ ही 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर, इसके कलर के लिए बहुत अच्छा लगता है इसका कलर, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इन्हें अच्छे से शार्प कट में अंदर तक पीसेस में लगा दें। अब इसे 1/2 घंटे के लिए रख दें। मैरिनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब गैस पे एक पैन लें, मीडियम टू लो रखें फ्लेम, उसमें ऐड कर दें 2 टेबल स्पून ऑयल और उसमें 2 पीसेस को रख दें। बड़ा पैन हो तो आप चारों को भी एक साथ तल सकते हैं। अब इसको 7 मिनट तक आपको हिलाना नहीं है, एक तरफ तक इसे होने देंगे, मीडियम टू लो रखेंगे इसका फ्लेम, लीड लगा दें। 7 मिनट के बाद ये देखिए नीचे से पूरी अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है क्रस्ट, इसको पलट दें। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, लिड लगा दें, इससे ये जूसी और सॉफ्ट बनता है। 2 से 3 बार इसी तरह से पलट पलट कर इसको हम लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए 2-3 बार में ये डन हो चुका है। इसे निकाल लें और जो मसाला पैन में लग गया है उसे हटा दें ताकि जो दूसरे पीसेस हैं उसमें ना लगे। थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं आप, उसके साथ दूसरे पीसेस को भी फ्राई कर लें। यही प्रोसीजर हम दूसरे पीसेस के लिए भी करेंगे। सारे पीसेस देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए हमने एक जाली ले ली है, आसानी से मार्केट में मिल जाती है, इस पर रख कर डायरेक्ट फ्लेम से इसमें इसको फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। पाँच से 10 मिनट इसे बिल्कुल हल्की आंच पर ऐसे चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसमें इससे स्मोकी फ्लेवर डेवलप होता है, बिल्कुल रोस्टेड लगता है हमारा चिकन, बहुत ही फ्लेवर और टेस्टी बनता है, सभी को बहुत पसंद आता है। फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कभी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ऐसी नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये देखिए कितना फ्लेवर, कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, वाकई में बहुत टेस्टी बना है। नींबू और अनियन के साथ सर्व करें।
अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।